तो गाइस यार कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो में दोबारा से जा रहे हैं स्टंबल गाइस। और यार आज हम कर रहे थे क्लैन वॉर चौथी बार भाई सेम क्लैन के साथ, BTW वर्सेस FXS। अभी तक तो यार मेरे को नाम लेना भी आ गया, पहले तीन वॉर में तो नाम ही नहीं लिया जा रहा था। और यार मजाक से हट के भाई ये वाली जो वॉर है ना वो तीनों से इतनी हैवी गई है भाई, एक टाइम को फट के हाथ में आ गई थी कि भाई हार ना जाए। हारे या नहीं हारे वो तुम लोग अगर डिस्कॉर्ड पे हो तो तुम लोग को पता चल ही गया होगा, और अगर नहीं हो तो अभी पता चल जाएगा। टेंशन क्यों लेते हो भाई, थोड़ी सी बड़ी वीडियो मेरे को पता है, लेकिन देख लो बैठ के। फिलहाल के लिए तो स्टार्टिंग में ही हक दिया था भाई। देखो यार जंगल रोल हमसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपनी छाती पे लिख के दे सकता हूँ भाई कि हमसे नहीं हो सकता भाई जंगल रोल, किसी भी कोई चांस ही नहीं है भाई। रद्दी मैप है भाई एक नंबर का, पता नहीं क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, आधी गेम रद्दी बनी हुई है। पर यार यहाँ पे भावेश ने विन निकाल ली पता नहीं कैसे भाई, सबसे आगे कोई और चल रहा था जीत गया, पर हमें क्या भाई विन से मतलब थी, विन मिल गई। यहाँ पे स्कोर हो गया यार 1-0। अब आ चुका था ब्लॉक डैश, और भाई ब्लॉक डैश भर भर के आ रहा है, पता नहीं तुम लोग का आनी आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही आ रहा है भाई, ब्लॉक डैश आ जा रहा है। मतलब यार देखो मेरे को पसंद है मैप, लेकिन मेरे को इतना भी नहीं खेलना कि मैं पकी जाऊँ भाई मैप से, समझ रहे हो ना मतलब मेरी बात। भावनाओं को समझो, और भावना लड़की का नाम नहीं है ठीक है, तुम गलत वाली भावना समझ लेते हो। यहाँ पे भाई अच्छा खासी जिंदगी चल रही थी, तीन लौंडे एलिमिनेट भी हो गए थे, और यहाँ पे चाचा चौधरी की चौथा भी गया। अब बचे थे यार चार लौंडे, एक उनका, तीन अपने, स्कली निकेत और मैं बचे थे, और वहाँ से FXS काल बचा था शायद। और यार जब तक FXS काल जीतता है या हारता है तुम लोग जाके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके आओ, मतलब वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर सकते तुम, लेकिन फिर भी करके आओ जो भी दिख रहा है तुम्हें। जहाँ पे भाई काल भाई भी लुढ़क गए, तो अब बचे थे सिर्फ स्कली निकेत और मैं, तो ये दूसरा पॉइंट पर अपने नाम तो आ ही चुका था, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं कहा जल्दी जल्दी खेलो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, मैं तो कह रहा हूँ FXS वालों को थोड़ा वेट करवाते हैं भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा, वॉर खेलने आए हो थोड़ा रुक के जाओगे। तो मैंने सोचा यार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे मजे में एकदम, लेकिन यार स्कली ने तो पहले हक दिया, तो अब मैंने सोचा अब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं होगा भाई, निकेत है, या तो निकेत हकेगा या तो मैं हकूंगा भाई। हम दोनों जब होते हैं ना एक बंदा ज़रूर हक देता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम दोनों ही बहुत प्यारा खेल जाएं भाई, हो ही नहीं सकता भाई, मतलब इम्पॉसिबल ही हो गया वो चीज़। नासा ने ही मना कर दिया है भाई, और नासा बिल्कुल सही बोल रही है भाई, भाई हो ही नहीं रहा है भाई, अच्छा खासा टप्पा खा गया था। और यहाँ पे ट्रिक भी नहीं हुई भाई मेरे से, मतलब मेरा थोड़ा सा टाइमिंग जल्दी आ गया। तो यहाँ पे सेकंड क्राउंड चला गया, क्राउंड नहीं यार क्राउंड चला गया निकेत को। स्कोर हो गया यहाँ पे 2-0, ठीक है यार अपनी टीम लीड होनी चाहिए, मैं तो हकता रहता हूँ मेरा क्या है। यहाँ पे वापस से रद्दी मैप आ चुका था, लेकिन यार मेरे पे इस बार स्पॉन थी, तो मेरे को था कि यार जीतते हैं कैसे भी करके जीतते हैं, लेकिन जीतते जरूर है। यहाँ पे भाई मेरे घोष भाई ने ऊपर ही नहीं चढ़ने दिया, और हमारा ने लीड ले ली जिसकी वजह से, और हमारा बंदे का नाम है ठीक है, और कुछ मत मान लेना। यहाँ पे भाई अच्छा खासा चल रहा था भाई, ये नीले ने जो मेरे बीच में आके अड़ंगी मारी है ना, ये जो घूमता रहता है गोल गोल, भाई मेरे को इतना गुस्सा आया भाई, मैं अच्छा खासा जा रहा था, नीला मुंह लेके आ गया बीच में, भाई क्या क्या सीन है भाई, खेलने दोगे थोड़ा सा, मतलब मेरे को थोड़ी इज्जत करो यार, कंटेंट क्रिएटर हूँ यार गेम वालों। और कंटेंट क्रिएटर से याद आया यार, अगर तुम लोग ने अब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो भाई, मेरे को जल्दी से 30K हिट करने का है, उसके बाद कंटेंट प्रोड्यूसर लेने का है, ये लिमिट बढ़ा देंगे हरामी एक नंबर के। तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि जीता कौन, और सामने नहीं आ रहा था बंदा, हमारा जीत गया भाई, हमारा नहीं रहा, पराया हो चुका है। तो यहाँ पे स्कोर हो गया 2-1, कोई नहीं होएगा जीतेंगे अपन, शाबा बॉय। यहाँ पे आ चुका था ओवर एंड अंडर, और मैंने भाई सीधा डुबकी मार दी थी कि मैं कहूँ भाई अब तो मैं ही जीतूंगा, लेकिन मेरे से स्कली ने लीड ले ली, फिर कृष्ण ने लीड ले ली, फिर काल ने भी लीड ले ली, मैंने कहा अब नहीं जीतूंगा, अब तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे भाई रिनोव भाई ने बॉडी भी कर दिया भाई, मतलब इंटेंशनल बॉडी भाई एकदम, और ऊपर से मैं ठुक और गया। अब यहाँ तक मेरे को इतना समझ आ गया था कि मैं जीतने तो घंटा नहीं वाला हूँ, कोई चांस ही नहीं है भाई, यहाँ से कैसे जीत जाऊँगा, स्पाइडरमैन थोड़ी हूँ, वहीं से तो जाल मार के ऊपर नहीं चढ़ सकता। मैं देख रहा था यार यहाँ पे जीता कौन, और मेरे ख्याल से उनका बंदा जीता था, ऐसा मेरे को लग रहा है, और हाँ भाई उन्हीं का बंदा जीता, FXS काल भाई दूसरा विन निकाल गया। तो यहाँ पे स्कोर 2-2 हो गया भाई, अचानक से प्रेशर आ गया सर पे। अब यहाँ पे अपने दो ही लौंडे गए थे भाई फाइनल, सेल्सियस और फ्लैश, और सेल्सियस पे स्पॉन भी थी, तो मेरे को था यार शायद निकाल ले, लेकिन खाल ने भाई यहाँ पे धक्का मार के लीड निकाल ली, मस्त लीड निकाली, फ्लैश भी चल रहा है सेल्सियस भी चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे आगे था यार उनका बंदा, उसके पीछे अपना बंदा, उसके पीछे सारे उनके बंदे थे, क्योंकि भाई अपना गए दो लौंडे थे बस फाइनल्स में। और ये भाई बंदा टप्पा ही गलत खा गया भाई, फिसल ही गया टप्पा खा के, क्या चाहता था भाई ये जिंदगी से भाई, क्यों भाई किस लिए भाई, शांति से जा सकता था, लेकिन नहीं भाई शांति पसंद नहीं आई इसको, तो इसके लिए कोई और लाएंगे दीपिका वीपिका नाम की, शांति से तो इसका काम नहीं चला। तो यहाँ पे RFX गोस्ट खुली लीड निकाल चुका था, और पीछे भी उनके लौटने थे, तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि हम जीत जाएं, कोई चांस ही नहीं था। तो यहाँ पे यार गोस्ट ने भी अपनी पहली विन निकाल ली, और अचानक से भाई स्कोर पलटता हुआ दिख गया था मेरे को, स्कोर चल रहा था 2-0, उसके बाद आ गया 2-3। मैंने सोचा भाई अभी हो गया बहुत, पहले भी बहुत हो गया था, लेकिन अभी वापस से बहुत हो गया, तो अभी तो जीतना पड़ेगा, अभी इज्जत की सवाल है भाई, और कोई नहीं बोलेगा कमेंट में कि इज्जत का सवाल होता है, मेरी इज्जत लड़की है तो उसकी इज्जत की सवाल है ठीक है।
यहाँ पे भाई वापस आ चुका था ब्लॉक डैश, जो कि तुम लोग बहुत पहले देख चुके हो, मैं थोड़ा अनाउंस करना भूल गया था। और एक लौंडा पहले ही एलिमिनेट हो गया। भाई कौन है ये अनोखा इंसान जो पहले एलिमिनेट हो जाता है? भाई मैप चालू होता नहीं, उससे पहले एलिमिनेट होकर बैठ जाते हैं। अपने यार चार लौंडे थे, उनके भी चार लौंडे थे, और उनका शायद एक बंदे ने हगा था, तो 4v3 हो गया था सिचुएशन। और भाई कोई जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, भाई कोई तो चले जाओ, थोड़ा प्रेशर कम हुए भाई, ऐसे थोड़ी होता है। और यार मेरी बात सुन के तीन लौंडे चले भी गए भाई, अब बचे थे दो अपने, दो उनके। फ्लैश चला गया था अपना, और एक और जो भी बचा था वो चला गया था। भाविश बचा है, मैं बचा हूँ, रेनॉब बचा है, और एक और पता नहीं, क्रिशोजी बचा है, क्रिशोजी। तो क्या यहाँ पे हम जीतेंगे या हम फिर से पिटेंगे? अगर हम पिटे तो भाई 2-4 हो जाएगा, फिर तो मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन से आ जाएगी। अभी तो जैसे तैसे ज़िंदगी कट रही है भाई, थोड़े मतलब मोटिवेशन तो है। अब बस मेरा था कि यार भाविश ना हगे, क्योंकि अगर भाविश ना हग दिया ना, मैं थोड़ा फिर डिमोटिवेट हो जाऊँगा, और मैं कहीं ना कहीं तो पक्का कांटों में बैठ जाऊँगा। यहाँ पे भाई सारी जितनी टिप्स एंड ट्रिक्स आती थी, जितने सालों में इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी है, सारी लगा दी भाई, कि भाई जैसे तैसे करके बचूँ, लेकिन भाविश ने हग दिया। तो अब यहाँ पे हो गया था यार 1v2, मैं अकेला, उनके दो लौंडे, और अब थोड़ा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि भाई धक्की मुक्की तो ज़रूर होगी। ये भाई अब सब्जी मंडी बनने वाला है, स्टंबल गाइस, देखो ऐसे धक्के मुक्के होने वाली है ना, ये देखो भाई, मतलब बंदा ऊपर चढ़ने के सिवाय मेरे मुंह पे कूदी मार गया, कोई शर्म ही नहीं है भाई। थोड़ी सी भी बॉडी करने पहले पहुंच जाते हैं। मैं सोचा था भाई जैसे तैसे करके बस निकालता जाऊं, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूं, उसके बाद देख लूंगा भाई, जैसे तैसे करके थोड़ी बहुत मतलब स्पॉन वगैरह मिल गई तो जीत लेंगे। और यार ये रेनॉब तो पक्का नहीं हगने वाला था, देखो रेनॉब को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये कहीं से नहीं हगेगा। क्रिश का मैं इतना जानता नहीं हूँ, तो मेरे को पता नहीं था। क्रिश ने भाई यहाँ पे मुझे बहुत गंदा बॉडी किया, लेकिन मैं फिर भी चढ़ गया था वापस, लेकिन इतने में वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन गया भाई। अगर मतलब मैं यहाँ पे नहीं भी चढ़ पाता तो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता, तो कोई टेंशन की बात थी ही नहीं। तो यहाँ पे भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका था फाइनली भाई, वॉर में ही बना दिया, पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने आज तक वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया, सीधा वॉर में ही बना दिया। देख रहे हो प्रोनेस, देख रहे हो भाई, ये देख के तो लाइक करना पड़ेगा तुम्हें, तो जल्दी से जाओ लाइक करो, 1000 likes का एम है जो कि तुम्हें पूरा करवाना पड़ेगा। अब यार स्पिन को राउंड आ गया था, और मेरे को था कि यार स्पॉन मिल जाए बस, और यहाँ पे मेरे को स्पॉन मिली भी भाई, मेरे को बस रेनॉब से एक कदम आगे खड़ा कर दिया था, जिसका मुझे था कि बस इसी का फ़ायदा उठाया जाएगा, बिल्कुल उठाया जाएगा, कहीं का नहीं छोड़ेंगे भाई, जीतेंगे। और स्पिन को राउंड तो यार मैं रट के बैठा हूँ भाई, स्पिन को राउंड में मैं हकता नहीं हूँ। स्पिन को राउंड इज़ दिल दिगर जाने जिगर, दिल दिगर क्यों होगा, जो भी था भाई वो गाना जो भी था मेरे को याद नहीं है, लेकिन वैसा ही है यार ये मैप। यहाँ पे भाई रेनॉब भाई एक्स्ट्रा करने के चक्कर में हक दिए, और क्रिश भाई भी पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स लगा दिया, लेकिन भाई नहीं हो पा रहा क्या। तो यहाँ पे भाई तुम्हारे भाई का पहला राउंड आया, और गाइस आ रहा वो कर दो भाई, एक मैच यार मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मैंने पीरो यू पीरो लग गया, अरे नहीं समझ आ रहा। ओके ओके ओके, लेट्स गो। टेंपल आया था, और तुम्हारा भाई कहाँ है अभी? कम ऑन डेजी एंड गाइस आ रहा वो पिक कर दो, लेट्स सी भाई कौन निकालते हैं यहां पे। रिनॉब है, ओके ओके ओके, रिनॉब निकाल ले भाई, कंटा निकालेगा। ओए निकेट हग, निकेट हगने का 1 रुपया देखा भाई, बी लेजी को स्पैक करना भाई, ना 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 भाई, आप बहुत अरे क्या हो गए अबे ब्लेजी, दोबारा से लीड में भाई, क्या खा रहा है ब्लेजी भाई, ब्लेजी भाई हग दे भाई, ब्लेजी तुम्हारे भाई की लेजेंडरी विन आ गई भाई, ब्लेजी ले गया उनके चार लौंडे, मैंने भाई मार दिया, मजा ही आ गया भाई एकदम भाई, यार ब्लेजी क्या कर क्या रहा है ये शरीर के अंदर। यहाँ पे भाई ये क्राउन भी तुम्हारे भाई का आ गया, तो यहाँ पे स्कोर हो गया 4-3। अब आ चुका यार लावा रश, और मेरे को था यार स्टार्टिंग में लीड मिल जाए, लेकिन नहीं मिली भाई, कोई इज्जत ही नहीं है, नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं मिली। यहाँ पे भाई उनके तीन लौंडे थे, और अपने दो लौंडे थे आगे आगे, और पीछे से ब्रिक्सी नाम का भी एक बंदा आ रहा था जो कि उन्हीं का है, तो उनके चार लौंडे चल रहे थे आगे आगे, और हमारे सिर्फ दो, सेल्सियस और मैं। सबसे आगे था रेनॉब, उसके पीछे खाल ने हक दिया, सेल्सियस, उसके बाद मैं, उसके पीछे ब्रिक्सी। यहाँ से भाई मैंने मंत्र गाने चालू किए, भाई रेनॉब को कुछ हो जाए, कुछ तो मतलब इधर उधर ठुक जाए, कुछ तो कर दे, गलती कर दे, बस मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि रेनॉब यार हगने वालों में से है नहीं। यहाँ पे भाई सेल्सियस भाई ने हक दिया, मैं फिर भी नहीं हग रहा था भाई, मैं जैसे तैसे करके संभाल रहा था। रेनॉब से मैंने ऑलमोस्ट लीड ले ली थी भाई, यहाँ पे रेनॉब ने मुझे बॉडी मारा और खुद बॉल से ठुका, और खुद भी नहीं जीता, मेरे को भी नहीं जीतने दिया भाई, यहाँ पे इतना गलत सीन हुआ ना। मैंने ऑलमोस्ट लीड निकाल ली थी, एक और डबल जंप आती और मैं लीड खींच लेता, साले ने धक्का मारा और खुद भी नहीं गया, मेरे को भी नहीं जानने दिया भाई। ब्रिक्स ही यहाँ पे विन निकाल लिया, वरना तुम्हारे भाई की हैट्रिक होती भाई, लगातार तीसरी विन आती। छोड़ो यार क्या करें, बहुत दुख है इस दुनिया में। यहाँ पे भाई 4-4 हो गया था स्कोर। अब आ चुका था वापस से लॉस्ट टेंपल, और लॉस्ट टेंपल मुझे निकालना आता है, लेकिन धक्के मुक्के के बिना, मतलब थोड़ा सा मतलब तमीज़ में खेलोगे तो सीधा धक्का मार के नीचे गिरा दिया गया भाई, कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है कोई टेंशन नहीं, हरीश भाई ने धक्का मारा था, नाम लिख लिया गया है भाई, इसके घर जाके मार के आएंगे इसको। अब देखो मेरे पास करने को कुछ था नहीं, तो मैं पीछे रुका नहीं, मैं बस टिप्स एंड ट्रिक्स करता करता आगे बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। अब मुझे ऊपर देखना था कि उनके आगे कितने बंदे हैं, तो सारे उन्हीं के लौंडे थे भाई, तो मैंने कहा भाई अब तो नहीं जीत रहे, कोई चांस नहीं, अपना कोई लौंडा ही नहीं पहुंचा भाई आगे तक। तो यहाँ पे भाई उनका वापस से कोई बंदा जीत गया। अब यहाँ पे स्कोर हो गया था 4-5, और इतने में अपना जो एक बहुत बढ़िया प्लेयर है वो ऑनलाइन आता है और कहता है मैं खेलूँ, जिसका नाम है आदि। और भाई मैं बोल रहा हूँ
तू खेले तो जल्दी आना भाई, क्या हाँ सो गया था क्या, मौत आ गई थी भाई, क्या हो गया था भाई, 4-5 का स्कोर चल रहा है, एक और हारे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे भाई आदि ने लीड निकाल भी ली, सबसे आगे वही चल रहा है, उसके पीछे मैं चल रहा हूँ, उसके पीछे उनके दो लौंडे हैं, तो मेरे को था यार ये तो निकल जाएगा, ये विन तो अपनी ही है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ये तो अपनी ही आएगी भाई, गोद में मिली है ये विन। तो यार आदि सबसे आगे चल रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ पर ट्रिक करते हैं, मैंने ट्रिक ट्राई भी करी लेकिन ट्रिक मेरे से ढंग से हुई नहीं, थोड़ा सा गिर गया मतलब इधर उधर फिसल गया। अब मेरे को था बस रास्ता राइट से खुले, अगर लेफ्ट से खुल गया ना तो फिर पंगा हो जाएगा, और ऐसा ही होता है भाई बिल्कुल प्यार से। आदि मैं ऊपर देखता हूँ भाई आदि जीत चुका होता है, और यहाँ पे भाई स्कोर हो गया 5-5, आदि ने आके भाई जान बचा ली। अब बचा था भाई डिसाइडर मैच, भाई इतनी इंटेंस वॉर चली गई थी, और डिसाइडर में मैं था ही नहीं, मेरे को सेकंड राउंड में ही लेज़र से मतलब लेज़र में धक्का मुक्की करके एलिमिनेट करा दिया था। और यहाँ पे भाई अपने किसी लौंडे पे स्पॉन नहीं थी, एक तो पहले अपने दो लौंडे गए थे फाइनल्स में, और मतलब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे हम जीत भी सकते हैं, क्योंकि भाई स्पॉन थी ही नहीं, बिल्कुल भी स्पॉन नहीं थी, उनके 3 या 4 बंदों पर स्पॉन थी, तो मतलब कोई चांस बनता नहीं था। लेकिन यहाँ पे भाई सबसे आगे उनका बंदा था, उनके पीछे उनका बंदा था, लेकिन उसके पीछे हमारे दो बंदे थे, सेल्सस और फ्लैश, हरीश और घोष सबसे आगे चल रहे थे, और मेरे को था यार हक दो बस, प्लीज़ हक दो, थोड़ा सा हक दो, इधर उधर गिर जाओ, कहीं तो गिरो लेकिन गिरो ज़रूर। यहाँ पे भाई घोष ने गलती कर दी आगे जाके, हरीश ने भी आगे हक दिया, सेल्सस ने भी जैसे तैसे करके भाई अपने को बचाया, पता नहीं भाई क्या चल रहा है, सारे नशे में खेल रहे हैं। और इतने में देखते ही देखते भाई अपने दो लौंडे फाइनल्स में थे और दोनों ही लीड में आ गए, फ्लैश भी निकल लिया, सेल्सस भी निकल लिया, दोनों की ट्रिक हो गई और जीता यहाँ पे यार फ्लैश, लेकिन सेल्सस भी बहुत बढ़िया खेला। और यार काफ़ी बंदों ने बहुत कुछ बोला मेरे को स्ट्रीम पे कि भाई लक से जीतता है ये वो फलाना ढमकाना ऐसे की तैसी, लेकिन यार उनमें से एक स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया भाई, वो मैं तो एक बार ये देखो, इस भाई ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई ब्लेजी टाइटल टुमारो मेकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड इन वॉर, कम ऑन ब्लेजी एंड गाइस आ रहा वो पिकर दो, लेट्स सी भाई कौन निकालते हैं अपने रिनॉम भाई, अब हो गया तुम्हारा, ओके ओके रिनॉम निकाल ले भाई, कंटा निकालेगा, ओए निकेट हग, निकेट हग ने का 1 रुपया देखा भाई, और काफी लोगों ने मेरे को बोला कि लक से जीतना भाई, ना 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 भाई, अब बहुत बड़े क्या हो गए, अबे ब्लेजी तुम्हारा से लीड में मेरे को तो भाई क्या खा रहा है ब्लेजी, लास्ट दो में ब्लेजी भाई हक दे, मेरी विंस मुझे नहीं लगता भाई कहीं से भी लगता, कोई चांस ही नहीं, ब्लेजी ले गया। तो सर आज की वीडियो इतना ही, भाई अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।